मैं रुक गया, अब बोलिए। जो भी तुम करना चाहते हो, शादी या और कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे रहो। अभी से तुम और मैं अलग हैं। पर जाने से पहले उस लड़की से माफी मांग लेना। सुनो मेघा, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू और बताऊं कि विभा से शादी करना चाहता हूँ? विभा ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता है, मैंने ही उसे बुलाया। पर अंकल, मुझे लगता है कि आप हर्षा को नहीं समझे अब तक। बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता था और आपको समझना चाहिए था। आपने कहा था वो मेरे साथ नहीं आएगी, अब वो लड़की यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी बातें समझना क्यों नहीं चाहते। आपने क्या कहा था? मैरिज लाइफ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज है या और भी कुछ है पापा? वो हमने विभा के शब्दों में देखा, रोमांस, यही है सही एलिजिबिलिटी। विभा से मिलते ही मैंने उससे पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? और मैं पागलों की तरह वो बोल रहा था जो मुझे पता भी नहीं। बाद में पता चला रोमांस ही सबसे बड़ा प्यार है। मैं एक रोमांटिक मैरिड लाइफ चाहता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हारा कहना हम बिना रोमांस के शादी करके बैठे? ऐसे तुम्हारे बच्चे हुए हैं। चाचा मैं कैसे बताऊं? आप प्यार के बारे में जानते हैं? जब रोमांस के बारे में बोलता हूं तो गलत मतलब क्यों निकालते हो? रोमांस कुछ ऐसा नहीं होता जो 10 मिनट की मैच मेकिंग में बन जाता है। रोमांस मतलब प्यार दिखाना, जताना। हर कोई ये कहता है कि वो प्यार में है, पर उनमें से कितने लोग अपना प्यार दिखाते हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम नहीं दिखाते? मैं दिखाता हूँ। रुको, तुम अपना प्यार दिखाते हो? मतलब गिफ्ट खरीद के टेबल पर फेंकना, वो प्यार है? ये कोई गिफ्ट खरीदने जैसा नहीं होता सर, ये होता है उसके पास जाके उसे खिलाकर उसे खुश कर देना। प्यार को ऐसे दिखाया जाता है जब तुम्हारे हस्बैंड आसपास होते हैं, तुम उनसे करोड़ों कमवाते हो और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, पर जब वो कमाने जाता है तुम कंप्लेन करते हो कि वो आसपास नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं जो कि कोई नहीं कह सकता, एक इंसान खुश करे तो दूसरे की जरूरत नहीं। दो लोग शादी करते हैं खुश रहने के लिए, पर उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होती है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ये खत्म करें। आप बार बार कह रहे हो कि ये एक कॉम्प्रोमाइज है, लगता है बिना जान की जिंदगी जीने को बोल रहे हो। मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। मैं अपने पार्टनर के बहुत करीब होना चाहता हूं उसके। विभा ऐसी लड़की है जिसे पता है कैसे जीते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को जवान और मजेदार बनाने के लिए विभा ही है वो जिसे पता है रोमांस क्या होता है। वो समझती है कि उसकी बॉडी उसकी नहीं, लाइफ पार्टनर की भी है, ये सोच के कि बॉडी की केयर करने से रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी। लड़की के साथ रहने से कभी कुछ नहीं होगा, लड़की को भी कुछ रोमांटिक करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सनसेट। मेरा लाइफ पार्टनर मेरा इंतजार कर रहा है घर में, ये सोच के मेरी जीने की इच्छा बढ़ेगी। अगर ये सोचना डर्टी माइंड है तो किसी को तो डर्टी माइंडेड होना पड़ेगा। आपने क्या कहा था चाचा, शादी करनी चाहिए या अफेयर? क्या सही नहीं है अफेयर हो, कभी ना खत्म होने वाला अफेयर? अगर ये सब पता ना होता तो मैं अपना सर झुका लेता कोर्ट में, पर अब मैं ये कह सकता हूं मेरे पास एक बढ़िया मैरिड लाइफ है, मुझे विभा से शादी करनी है। बेटा जो लड़की तुम्हें कमजोर लग रही है उसे बात करो, उसे चीयर अप करो, चाहो उसे हग करो।
है कि मैं तुम्हें हग करूं। तो क्या कहा कि तुम्हें चीयर अप करूं। तो क्या